गाइस आई एम अरिजीत दास, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। दोस्तों आज एक आप लोगों के साथ एक आउटडोर शूट की बिहाइंड सीन लेकर आए। तो कुछ दिन पहले मैंने ज़्यादा ही मैंने एक इंडोर शूट दिखा रहा था। इस बार गाइस आप लोगों के साथ एक तो ब्राइडल शूट की नहीं है, इस बार जो शूट के बीतेज लेकर आए एक ट्रेडिशनल साड़ी शूट था। तो जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं ये एक्चुअली एक अपार्टमेंट के बाहर का छोटा सा पार्क था, वहीं पर हम लोग शूट कर रहे हैं। तो बीतेज वीडियो में आप लोगों को दिख ही जाएगा। तो गाइस इस बार मैंने नेचुरल लाइट के साथ भी कुछ फोटो लिए थे एंड जो मेरे पास हाइसिंग फ्लैश है, जो गोडॉक्स का ID 200 है, V1 है, उसी के साथ भी शूट किए थे। तो दोनों आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि नेचुरल लाइट में फ़ोटो कैसा आया एंड वो जो मैं हाइसिंग के साथ शूट करता हूँ वो कैसा आया। तो हाइसिंग में शूट करने के लिए जो मैं कैमरा यूज़ किए थे वो निकॉन का D750 बॉडी मैंने यूज़ किए थे एंड लाइटिंग मैंने दो यूज़ किया था, गोडॉक्स का ID 200 की लाइट जैसे यूज़ करने के लिए। उसके साथ मैंने एक 85 सेंटीमीटर का एक ऑक्टो शॉट बॉक्स यूज़ किए थे एंड पीछे इस बार मैंने जैसे कि V1 यूज़ करता हूँ, बट इस बार मैंने V1 के कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने V1 नहीं यूज़ कर पाए। इस बार मैंने गोडॉक्स का जो हाइसिंग फ्लैश आता है TT685 तो वही मैंने यूज़ किए थे। उसी का साथ मैंने एक ऑरेंज कलर की सेलोपेन पेपर यूज़ किए थे। तो आप लोगों को बीतेज वीडियो में दिख जाएगा कि लाइटिंग मैंने कहाँ रखे थे एंड पीछे का लाइट भी कहाँ रखे थे, वो तो हर वीडियो की तरह देख ही जाएगा। एंड नेचुरल लाइट में जो फोटो लिए थे वो बिल्कुल मैं पहले बता दूँ, जो टाइमिंग था वो एक्चुअली दोपहर को 3 या 3:30 बज रहा था। तो लाइट उतना भी सॉफ्ट नहीं था तो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था नेचुरल लाइट में। हाइसिंग में ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थे, जैसे कि 8200 हाई वाट का फ्लैश है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो चलिए गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हम जैसे जो भी मैं कैमरा की सेटिंग्स एंड लाइटिंग का सेटिंग रखता हूँ वो फोटो की आउटपुट फोटो की साइड पे दे देंगे। तो चलिए गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए।